इस वक्त बड़ी खबर, 5,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों पर आफत देखने को मिला है। 5,000 से ज्यादा इजरायली सैन्य बल जख्मी हैं। गाजा युद्ध में सामने आई नई जानकारी, आंकड़ों के मुताबिक और भी जख्मी हो सकते हैं। पिछले इस साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था युद्ध। घायल सैनिकों में 789 की हालत गंभीर है। 261 इजरायली सैनिक वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। IRNA न्यूज एजेंसी ने शेयर की है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 5,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों पर आफत देखने को मिला है। 5,000 से ज्यादा इजरायली सैन्य बल जख्मी हैं। गाजा युद्ध में सामने आई नई जानकारी, आंकड़ों के मुताबिक और भी जख्मी हो सकते हैं। पिछले इस साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था युद्ध। घायल सैनिकों में 789 की हालत गंभीर है। 261 इजरायली सैनिक वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। IRNA न्यूज एजेंसी ने शेयर की है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 5,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों पर आफत देखने को मिला है। 5,000 से ज्यादा इजरायली सैन्य बल जख्मी हैं। गाजा युद्ध में सामने आई नई जानकारी, आंकड़ों के मुताबिक और भी जख्मी हो सकते हैं। पिछले इस साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था युद्ध। घायल सैनिकों में 789 की हालत गंभीर है। 261 इजरायली सैनिक वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। IRNA न्यूज एजेंसी ने शेयर की है जानकारी।